हे गाइस, कैसे आप सब लोग? स्वागत है आप लोग स्पाइवर्स गेमर्स में। सो फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। हाँ, मुझे एग्जाम से एक अच्छा खासा गैप मिला है, इसलिए मैं वीडियो अपलोड में किसी तरीके से मैनेज करके ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। और फाइनली हमारे 1.18 आ चुका है माइनक्राफ्ट के लिए। अब बहुत सारे लोगों की दिक्कत ये बात आ रही है कि पुजाव लॉन्चर में 1.18 ना क्रैश हो जाता है। सो हाँ, मेरे साथ भी क्रैश होता था, लेकिन फाइनली मैंने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया है। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर 1.18 अपने पुजाव लॉन्चर में खेल रहा हूँ। और अब आप लोग बोलेंगे ये कोई स्नैपशॉट होगा या फिर कोई और मॉड होगा, तो नहीं गाइस, ये लिटरली 1.18 है। मैं इसका प्रूफ भी आपको इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और जो ट्रिक मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ ना, वो पुजाव लॉन्चर के डेवलपर्स ने लिटिल कंफर्म किया है कि हाँ, ये ट्रिक वर्किंग है। इस मेथड से आप अपना पुजाव लॉन्चर में 1.18 बिना क्रैश के खेल सकते हैं। और इस न्यूज़ के भी प्रूफ को मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपके एंड्रॉयड डिवाइस के में पुजाव लॉन्चर में 1.18 बिना किसी दिक्कत के आराम से चल जाएगा। ये मेरी गारंटी है गाइस, लिटरली मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका 1.18 आराम से चल जाएगा अगर आप मेरे सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं और इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपका लिटरली चल जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि मैं यहाँ पर एक गेम प्ले यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह ड्रिप स्टोन केव है, और यहाँ पर आपने लश केव भी देखा ही होगा। और ये हमारा केव जो हमें बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया गया है इस अपडेट में, बहुत बड़े बड़े केव्स आ चुके हैं हमारे, और क्लिफ्स भी इतने ज़्यादा कि वो आसमान मतलब कि बादलों को छूते, इतने बड़े बड़े क्लिफ्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्नोई माउंटेंस है यहाँ पर, जो हमारे 1.18 में आया है स्नोई माउंटेंस। तो आपको इतना गेम प्ले देख के समझ में आ गया होगा कि मैं 1.18 खेल रहा हूँ, कोई स्नैपशॉट नहीं खेल रहा हूँ। अगर आपको और प्रूफ चाहिए तो मैं अभी वीडियो में आगे ही आपको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर 1.18 खेल रहा हूँ। बट सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसकी न्यूज़, जो पुजाव लॉन्चर के डेवलपर्स ने यहाँ पर लिटरली इसे कंफर्म किया है। जो मैं यहाँ पर स्टेप्स यूज़ करने वाला हूँ ना, यहाँ पर पुजाव लॉन्चर के डेवलपर्स ने इसे कंफर्म किया है कि हाँ, ये वर्क ट्रिक, ये मेथड काम करता है। अगर आप इस मेथड को यूज़ करते तो आपका 1.18 चलेगा। तो यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने अपना पुजाव लॉन्चर ओपन किया है और यहाँ पर आपको न्यूज़ का एक ऑप्शन मिलेगा। नीचे आपको न्यूज़ के ऊपर क्लिक करना है, उसके नीचे स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1.18 इट्स हेयर। और इस वाले जो न्यूज़ में यहाँ पर लिखा हुआ यह है कि 1.18 की अपडेट के आने की वजह से यहाँ पर जो इनका रिसोर्स पैक है पुराना वाला 1.17 का, वो ऑब्सोलेट हो गया, मतलब कि वो अब काम नहीं करेगा 1.18 के लिए। वो 1.17 के लिए ज़रूर काम कर जाएगा, लेकिन 18 के लिए काम नहीं करेगा। नया वर्जन आ चुका है हमारा रिसोर्स पैक का 1.18 करने के लिए। तो उसे आप रिप्लेस करते ही आपका जो 1.18 है ना, वो आराम से चल जाएगा। ये इस न्यूज़ में आपको यहाँ पर कंफर्म किया गया है, ये न्यूज़ में जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर उसकी डाउनलोड लिंक है उस रिसोर्स पैक की, आपको क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसको गिटअप अकाउंट लगेगा, लेकिन मैं इसे कमेंट सेक्शन में ना पिन कर दूंगा, जिससे आप आराम से उसे डाउनलोड करके यहाँ से मेरे जो स्टेप्स है उसे फॉलो करके आप अपना 1.18 खेल सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो आपको पिन कमेंट में किया था उसे आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना, और नीचे वाली फाइल को कोई दिक्कत नहीं है, वो मैंने गलती से डाल दी थी। उसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर में जो 3 डॉट्स है ना, उसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। सेटिंग्स के अंदर आपको फाइल लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। फाइल लिस्ट के अंदर आपको यहाँ पर शो हिडन फाइल्स मिलेगा, जिसे आपको इनेबल रखना है। यहाँ पर इनेबल रखते ही आपका ये पहला स्टेप हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है ना, ये जो एसेट है इसे यहाँ पर आपको यहाँ से कॉपी करना है। मैंने कट कर दिया था गलती से, लेकिन आपको यहाँ से कॉपी करना है। जैसे यहाँ से आप कॉपी करिएगा, उसके बाद आपको डिवाइस मेमोरी में जाना है, फिर आपको एंड्रॉयड का फोल्डर ढूंढना है। एंड्रॉयड के फोल्डर आपको डेटा में जाना है। डेटा के अंदर आपको एक फोल्डर मिलेगा पुजाव लॉन्चर का, यहां पर देखिए पुजाव लॉन्च का एक फोल्डर, उसके अंदर आपको फाइल्स का फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर आपको डॉट माइनक्राफ्ट का फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर आपको मिलेगा रिसोर्स पैक का फोल्डर, उसके अंदर आपको सिंपली इसे पेस्ट कर देना। जैसे ही आप पेस्ट कीजिएगा, आपका सारा काम हो चुका है, आपका 1.18 एकदम मक्खन चलेगा और आपको कोई भी आने वाले ये दिक्कत नहीं होगी 1.18 को प्ले करने में। तो सीधा हम लोग अपना पुजाव लॉन्चर ओपन करते हैं, और यहां पर हम लोग को अपना 1.18 जो है यहाँ पर मैं डाउनलोड करके रखा हूँ, और सिंपली मैं यहाँ पर प्ले के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर अब मेरा जो गेम है वो ओपन हो रहा है। तो इस गेम को पूरी तरीके से ओपन होने देते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा जो 1.18 है वो लिटरली वर्क करता है मेरे डिवाइस में।
सो गाइस फाइनली 1.18 में अपने एंड्रॉयड डिवाइस में खेल रहा पुजाव लॉन्चर में जो पहले क्रैश होता था, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहले क्रैश होता था वो अब मैं फाइनली अपने एंड्रॉयड डिवाइस में खेल पा रहा हूँ अपने पुजाव लॉन्चर में। और मेरे सारे अगर आप भी ये सारे जो स्टेप्स से फॉलो करेंगे तो आपका भी ज़रूर चलेगा 1.18 आपके पुजाव लॉन्चर में, ये मेरी गारंटी लिटरली गाइस आपका चल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको अपना वर्ल्ड क्रिएट करके दिखा देता हूँ। तो इस वाली जो वर्ल्ड है को मैं क्रिएटिव में खेलूँगा चीट्स ऑन करके, ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करके दिखा सकूँ सारे वर्ल्ड को। और यहाँ पर मैंने एक सीड को यहाँ पर ट्राई किया है जो मैंने यूट्यूब से निकाला था, उसकी भी मैं जो सीड है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जो यहाँ पर आप स्पॉन होते हैं स्नोई माउंटेंस की तरफ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतने बड़े बड़े माउंटेंस हैं यहाँ पर जो ऑलमोस्ट हमारे क्लाउड्स को टच करते हैं। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा हमारा ड्रिप स्टोन केव जो यहाँ पर हमारे 1.18 में आ चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप मेरे वाले सीड को यूज़ करें, और यहाँ पर आपको लश केव भी देखने को मिल जाता है। और मेरे पास वैसा सीड नहीं मिली जो यहाँ पर बड़े बड़े लश केव्स मिलते हैं, मुझे वो सीड नहीं मिली, वरना मैं उसके ऊपर उसी के ऊपर ये वाली वीडियो बना देता वरना, लेकिन मुझे नहीं मिली इसलिए मैं यही वाली सीड से काम चला रहा था। सो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको 1.18 से रिलेटेड थोड़ी सी भी कोई भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ आपसे नई और अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।